नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा वेम्पायर वर्सेस द ब्रोंक्स मूवी के बारे में। ये आप लोगों को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। 1 घंटा 26 मिनट लंबी ये मूवी है और ये इंग्लिश में आप लोगों को देखनी पड़ेगी। तो अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। एक ब्रोंक्स नाम की जगह है जहां पर एक कंपनी आती है और वहां पर वो कंपनी क्या करती है, लोगों की प्रॉपर्टी खरीदना शुरू करती है और बहुत सारे जो लोग हैं उस जगह से गायब होना भी शुरू हो जाते हैं, मतलब मिसिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो कंपनी आती है वो हर किसी की प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है और जो भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहता तो उसको डरा कर धमका कर वो उसकी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में लेती है। इस कंपनी को चलाने वाला एक आदमी होता है फ्रैंक। फ्रैंक एक ऐसा आदमी होता है जो वैम्पायर्स के लिए काम करता है। वो एक्चुअल में जो ब्रोंक्स नाम की जो जगह है वो यहाँ पर इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है ताकि यहाँ पर वैम्पायर का एक घोंसला यानी नेस्ट बना सके। और वैम्पायर जो है वो ब्रोंक्स में आ चुके हैं और वैम्पायर असलियत में होते हैं इस बात का पता चलता है 3 बच्चों को, मिगल, बॉबी, लुइस। इन तीनों को इन जब चीजों का पता चलता है तो ऑब्वियसली ये जाएंगे लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ भी वैम्पायर आ गए, वैम्पायर आ गए यहाँ पर और वो लोगों को मार रहे हैं। बस तो यार देखो यार, बच्चे हैं, उन छोटे छोटे बच्चों की बातें कौन मानेगा। और शुरुआत में ऐसा ही होता है, लोग उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। लोग तभी मानते हैं जब वो खुद देखते हैं और जब उनकी खुद की वाट लगती है। और जब इनकी कोई बात स्टार्टिंग में जब मान नहीं रहा था तो ये खुद डिसाइड करते हैं कि जाकर वैम्पायर्स को खुद मारेंगे और लोगों को बचाएंगे। और इसके लिए तैयारी करना शुरू करते हैं। वही जो होते हैं वो पवित्र जल या लहसुन या फिर मतलब वो पवित्र पानी ऐसा कुछ करके वो इकट्ठा करते हैं ताकि ये जाकर वैम्पायर्स को वहां पर वो मार सके। अब इससे आगे मैं कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि यार इससे आगे मैंने बताया तो एक तरीके से मतलब यार और ज्यादा स्पॉयलर्स में जाएंगे। और ज्यादा का मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स दे दिए, बट एक तरीके से मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रीफ ही दिया इस मूवी का। अब देखना ये होगा कि ये लोग जो है वैम्पायर को कैसे मारते हैं और लोग इनकी बातों पर यकीन करते हैं या नहीं करते, या फिर उनको और कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। और इन सबको जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब जब शुरुआत में मैं मूवी देखने बैठा था तो मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, लेकिन जब इसके वीएफएक्स मैंने लास्ट में एंडिंग में देखे तो और इसका एंड यार क्या यार वो एंड था कि यार मुझे इतनी हंसी आ रही थी यार, कम से कम एंड तो ढंग का कर लेते। और इसके वीएफएक्स इतने बकवास हैं यार, मतलब किसी एंगल से भी वो डरावनापन उसके अंदर नहीं था यार। मैं कभी वो डरावनेपन के पर्पज से डाले ही नहीं गए थे इसके अंदर। कुल मिलाकर इतना कहना चाहूंगा कि यार ये मूवी जो है वो स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट आप लोगों का इंटरेस्ट अपने अंदर बिल्डअप करा पाती है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, इवन जब आपको पता चल जाता है कि हाँ यार ये कैसे इंटरेस्ट कब बनता है, जब यही कि वैम्पायर कैसे आए, उसके बारे में बच्चों को कैसे पता चला और वो बाकी लोगों को बताएंगे कैसे, बस यहां तक इंटरेस्ट रहता है। जब उनको पता चलता है वो लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, बस इसके बाद जो है वो इंटरेस्ट बिल्कुल भी खत्म हो जाता है क्योंकि यार तब कुछ रह नहीं जाता। फिर तो इंटरेस्टिंग ये रह जाता है ना कि वो कैसे मारेंगे, लोग उनका कैसे साथ देंगे, बट उसमें इतना इंटरेस्ट इसके अंदर मूवी के अंदर नहीं बन पाया। और इस कारण ये मूवी लास्ट में जाते जाते तो बिल्कुल ही बोरिंग हो जाती है। और जो लास्ट की जो एंडिंग, मैंने क्या कहा यार, एंडिंग तो कम से कम ढंग की कर लेते, थोड़ा बहुत अच्छा लगता उस एंडिंग को देखकर। और साथ ही साथ इसमें जो ब्लैक पीपल है उनका भी एक मुद्दा उठाया गया, एक तरीके से इसमें एक ताना कसा गया, वो जब आप मूवी देखोगे तब आप लोग इसको समझ जाओगे। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 5/10 सर। अगर किसी ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। और जिन्होंने नहीं देखी, यार देखो आप लोगों को वैम्पायर की हल्की फुल्की मूवी पसंद है तो आप जाके मूवी देख सकते हो, मगर आप लोगों को बहुत ज्यादा ड्रावनी मूवी देखनी है जिसके अंदर वैम्पायर की उत्पत्ति कहां से होती है ये सब चीजें, यार देखो ऐसा कुछ नहीं है। 1.5 घंटे से भी कम की मूवी में आप लोगों को इतना कुछ देखने को नहीं मिल सकता। हाँ थोड़ी बहुत हंसी आ जाएगी, हाँ इसके अंदर है थोड़ी बहुत कॉमेडी भी डालने की कोशिश की, लेकिन इसके अंदर हॉरर तो बिल्कुल भी नहीं, आपको बिल्कुल भी 1% भी डर नहीं लगेगा। शायद इन्होंने हॉरर डाला ही नहीं, बस ऐसे वैम्पायर नाम से ऐसे दिखा दिया, कुछ बनाना होगा इनको बस। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।